और मेयर नेता सदन और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इन लोगों के साथ थी। मैं एक तो डेवलपमेंट जानना चाह रहा था क्या हो रहा है। हाउस टैक्स के ऊपर लोगों ने अफरा तफरी फैला रखी है। मैंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी हाउस टैक्स 2004 से वसूलने के लिए इस तरह की कोई अभियान नहीं होने चाहिए। आप जब से आई है ये एमसी अभी वर्तमान में, आप उस समय से बात करो और लोगों को मोटिवेट करो और काम वही करो जिसके साथ जनता भी सहयोग कर सके। सीलिंग के ऊपर पहले तो मैं चाहता हूँ कि भाई सीलिंग के लिए ऑलरेडी हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, अमेंडमेंट आ रहा है, तो आप मॉनिटरिंग कमेटी से भी थोड़ी प्रार्थना करें सभी लोग कि हम लोग ऑलरेडी रास्ता निकाल रहे हैं, इसमें जनता को बहुत तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कमर्शियल रोड है आप बिना कागज पड़े और उसको सील कर दिए, ऐसी चीज़ों से भी बचें। हमने इस बात पे ही कही है कि बिना नोटिस के और बिना लोगों को इन्फॉर्म किए, ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ऐसा कर रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं है, बट हम रास्ता निकाल रहे हैं। और सबसे प्रार्थना अधिकारियों से भी बोल रहे हैं कि आप बिना नोटिस के कोई कार्य न करें और ये ध्यान में रहे कि ऑलरेडी केंद्र सरकार बिना दिल्ली सरकार के सहयोग के अमेंडमेंट ला रही है मास्टर प्लान में और हम परमानेंट सोल्यूशन देने की तरफ अग्रसर। नहीं ऐसी जानकारी अगर कोई हो तो मुझे लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मनोज तिवारी को वो लिख कर दें, ऐसा कोई भी सूचना अगर मिली तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। अपनी कोशिश यही है कि हम परमानेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी नरमी करें।